फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि वाईफाई कॉलिंग क्या होती है। आपने अभी तक यूज़ भी कर ली होगी, बहुत ही आसान फीचर है। देखते रहिए इस वीडियो को आगे। मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, एयरटेल ने लॉन्च कर दी है वाईफाई कॉलिंग, जियो ने भी लॉन्च कर दी है वाईफाई कॉलिंग। जियो ने पहले करी तो उसके बाद एयरटेल ने करी। दोनों में कंपटीशन चलता रहता है फीचर्स को लेके, और इसकी वजह से बेनिफिट्स मिलता है हमारे और आपके जैसे कंज्यूमर्स को, क्योंकि एक के बाद एक नए फीचर्स सस्ते मिलते हैं और यूज़ करने को मिलते हैं। वाईफाई कॉलिंग, आपने व्हाट्सएप कॉलिंग तो यूज़ करी होगी, वो आप ज़्यादातर डेटा पे करते हैं, लेकिन अगर व्हाट्सएप आप वाईफाई पे चला रहे हो तो वाईफाई पे उसी के थ्रू अगर आप तब कॉल करोगे तो वहाँ पे वाईफाई यूज़ हो रहा है, तो वो भी वाईफाई कॉलिंग से रिलेटेड ही है, लेकिन उसमें इंटरनेट यूज़ हो रहा है। यहाँ पे जो VO वाईफाई होता है, वॉइस ओवर वाईफाई का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। काफ़ी यूज़फुल फीचर है। एयरटेल ने अभी तक इससे पहले भी सर्विस को दे रखा था, लेकिन वो सिर्फ एयरटेल ब्रॉडबैंड यूज़र्स को ये सर्विस देता था, राइट, कि आपके घर पर वाईफाई है एयरटेल का तो आप यूज़ कर सकते हो वरना नहीं कर सकते। लेकिन अब उसने सारे वाईफाई यूज़र्स के लिए निकाल दिया, मतलब सारे ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के लिए निकाल दिया। अगर आपके पास कोई सा भी वाईफाई है कोई सी भी कंपनी का, तो आपके पे ये चलेगा। ये एक फ़ीचर है जो कि हैंडसेट को भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपके फ़ोन में ये फ़ीचर है तो ही ये चलेगा। अब आप कहेंगे हमारे फ़ोन में तो वाईफाई चलता है। एक फ़ीचर है वाईफाई कॉलिंग करके, वो भी आपका फ़ोन आपका हैंडसेट सपोर्ट करना चाहिए, सारे के सारे फ़ोन्स नहीं करते हैं। मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि कुछ गिने चुने फ़ोन हैं, गिने चुने तो नहीं, काफ़ी अच्छा नंबर है यार, 100 से ज़्यादा ही होंगे फ़ोन्स हैं जो कि इस फ़ीचर को सपोर्ट करते हैं। मेरे पास ख़ुद जो फ़ोन है वो इस फ़ीचर को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। वाईफाई कॉलिंग यहाँ पर जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो वो इस तरीके से है कि आपके फ़ोन में वर्किंग सिम होना चाहिए, नया सिम लेने की ज़रूरत नहीं है, नंबर आपके फ़ोन का यूज़ होगा। तो आप समझ रहे हैं ना, वाईफाई जब आप व्हाट्सएप पे यूज़ करके कॉल करते हैं, सिम के बिना तो आपका व्हाट्सएप भी नहीं चलता, राइट। तो सिम यहाँ पे ज़रूरी है, नया सिम लेने की ज़रूरत नहीं है, नया नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें सेम काम करेंगी। लेकिन जब आप नंबर डायल करेंगे तो आपके फ़ोन में अगर सपोर्ट करता है तो फीचर आएगा कॉल ओवर वाईफाई, उस बटन को दबा के आप वाईफाई पे कॉल कर सकते हैं। अब सवाल है कि करेंगे क्यों, जब आपके फ़ोन में सेलुलर कॉलिंग है तो करेंगे क्यों? तो ये बहुत ही इसका अच्छा यूज़ केस है। ऐसी जगह जब आप पहुँच जाते हैं जहाँ पर आपका नेटवर्क तो ठीक नहीं आ रहा, नेटवर्क के डंडे उड़े हुए हैं, लेकिन वाईफाई मिल रहा है, वाईफाई से अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे और यूज़ कर लेंगे। वाईफाई अब ज़्यादातर तो स्पीड अच्छी होती है सबकी, अब तो कम स्पीड वाले वाईफाई रह ही नहीं गए। स्पीड अच्छी है वाईफाई की, होगी ही तो आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है कॉल की। आपको जो क्वालिटी सेलुलर कॉलिंग में मिलती है वही क्वालिटी या उससे बेटर, कई केसेस में उससे बेटर वॉइस क्वालिटी मिलेगी। जो डिस्कनेक्शन यूजली हम देखते हैं सेलुलर कॉल में हो जाता है, स्पेशली तब जब नेटवर्क के डंडे उड़े हुए होते हैं, वो आपको वाईफाई कॉलिंग में देखने को नहीं मिलेगा। इट इज़ वेरी लेस लाइकली टू हैपन ओवर वाईफाई, ठीक है। तो एक इसका यही बेनिफिट है, लेकिन वो भी आगे जाके देखेंगे कि कितना है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी जगह पहुंच रहे हैं जहाँ पे नेटवर्क के डंडे उड़े हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे वाईफाई मिले। लेकिन कई बार हम ये प्रॉब्लम अपने घर में भी फेस करते हैं कि सेलुलर नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन हमारे घर में वाईफाई तो होता ही है, या अगर हम कहीं और जाएं तो वाईफाई आजकल दुनिया में हर जगह होने लग गया, ज़्यादातर जगह वाईफाई स्पॉट भी चल रहे हैं। तो वाईफाई का यूज़ करके आप, इट्स एन एडिशनल फीचर, आप यूज़ कर सकते हो और डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, फ्री। लोगों ने, जब से एयरटेल ने सारे ब्रॉडबैंड यूज़र्स के लिए इसको अवेलेबल करवाया, तब से 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने इसको अपने फ़ोन पर एक्टिवेट कर लिया है। तो फीचर अगर फ्री मिले तो लोग करें ना करें यूज़, लेकिन उसको एक्टिवेट ज़रूर करवा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो एयरटेल वाईफाई कॉलिंग या जस्ट वाईफाई कॉलिंग के बारे में। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होगा, क्या होता है, कैसे चलता है, इस तरीके के क्यों क्या कैसे वाले वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर बनाता रहता हूँ। इफ़ यू वांट टू सी मोर वीडियोज़ लाइक दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।